Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Here I am with you with the syllabus of 9th class, starting with history. मैंने अभी तक YouTube पे अपना 10th का की वीडियोस अपलोड करी हैं और अब मैंने 9th से स्टार्ट किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए, ये जो आपकी बुक है हिस्ट्री, इसका जो मेन टाइटल है दैट इज इट इज रिलेटेड विद एक्चुअली कंटेम्प्ररी हिस्ट्री है ये. एंड कंटेम्प्ररी हिस्ट्री में इट इज मेनली रिलेटेड विद द डिफरेंट टाइप्स, लाइक जो रेवोल्यूशंस आपके हुए, आपके पूरे वर्ल्ड में हुए, और रेवोल्यूशंस में जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉर्च बियरर रेवोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत सारे और इसके फीचर्स है, इम्पोर्टेंस है, जो मैं चैप्टर के बीच बीच में आप लोगों को बताती रहूंगी, आपको समझाती रहूंगी. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर. 14 जुलाई 1789 को सिटी ऑफ पेरिस, ये एकदम ऐलान था इस सिटी ऑफ पेरिस में. एंड ये सिटी ऑफ पेरिस जो है, इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ ऐलान. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स कि वो सिटी में मूव करेंगे, और वो सिटी में मूव करा वो ट्रूप्स ने. र्यूमर स्प्रेड हो गई कि आर्मी बहुत जल्दी फायर ऑन करने वाली है. र्यूमर्स मतलब स्प्रेड हो गई कि आर्मी जो है वो बहुत जल्दी एकदम से क्राउड के ऊपर फायर करने वाली है. सम 7,000 मेन एंड वुमेन वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे थे, और उन्होंने लोगों ने अपनी मिलिटिया क्लास जो है वो बना ली थी उन्होंने. एंड ये एक मिलिटिया क्लास का मतलब है कि पीपल दे फॉर्म देयर ओन मिलिट्री. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़कर और वो उसमें आर्म्स को ढूंढने के लिए वो जा रहे थे. वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में आर्म्स को तोड़ ढूंढने के लिए जा रहे थे. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल दे मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट सिटी के, और उन्होंने फोर्टेस जो है उसको स्टॉर्म करा. फोर्टेस प्रिजन जो इनफेमस नाम से कहा जाता है, बेस्टाइल है, उनको ये डाउट था कि इस बेस्टाइल की जेल में एम्युनिशन होर्डेड है. एम्युनिशन मतलब वेपन जो है वो होर्ड करके रखे गए हैं. एंड इन द आर्म फाइट जो बाद में फॉलो करी गई, कमांडर जो है बेस्टाइल का मार दिया गया. बेस्टाइल को लोग इसीलिए हेट करते थे क्योंकि बेस्टाइल सिग्निफाइड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बेस्टाइल की जो जेल है वो सिग्निफाई कर रही थी कि रूलर की, जो रूलर्स हैं उनकी डिस्पोटिक, उनकी अनक्वेश्चनेबल पावर को वो सिग्निफाई कर रही थी. ये इसका मतलब है. इसीलिए ये कहा जाता है द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. फोर्टेस वॉज डिमोलिश. उसके स्टोन फ्रेगमेंट जो हैं वो मार्केट में सोविन्योर के फॉर्म पर वो बिक रहे थे. डेज फॉलोड और पेरिस में रायट शुरू हो गए. पीपल वर प्रोटेस्टिंग कि जो ब्रेड है वहां पे, देखिए ज्यादातर जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वो लोग ब्रेड खाते हैं. और हिस्टोरियंस जो हैं ये कहते हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स का जो वर्ल्ड में आगे रेवोल्यूशन आए उसमें ये इवेंट सबसे इम्पोर्टेंट था. फ्रांस का जो ये जितने भी चेन ऑफ इवेंट्स का सबसे पहला इवेंट जो है वो ये था. आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में अब आप नेक्स्ट उसमें पढ़ने जा रहे हैं. ये देखिए, ये पेंटिंग है फिगर वन, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल. अब फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 1774 में लुई 16 जो बॉबिन फैमिली के किंग थे, थ्रोन पे बैठे, उनकी शादी हो गई थी 20 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटनी. आप इसको बिल्कुल ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंसिडेंट्स की फॉर्म में, छोटी छोटी इंसिडेंट और स्टोरीज की फॉर्म में. वो जैसे ही थ्रोन पे बैठे उनका जो ट्रेजर था, खजाना था, खाली हो चुका था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एकदम से हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के क्यों, खजाना खाली क्यों था, उसके तीन रीजंस हैं. आप देखिए मैंने चैप्टर हाईलाइट किया हुआ है और उसमें मार्क किया हुआ है. पहला रीजन था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर.
कि फ्रांस बहुत सालों से लड़ रहा था, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों बहुत सालों से वॉर लड़ रहे थे, प्लस पैलेस ऑफ वर्साइल्स के इतने ज्यादा शान शौकत को मेंटेन करने के लिए, वो भी जिम्मेदारी जो है वो लोगों के ऊपर थी एक्चुअली में इनडायरेक्टली। अंडर लुई 16 फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन के अगेंस्ट हेल्प करी थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रिटेन कॉमन एनिमी था। ब्रिटेन और फ्रांस आपको कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये दोनों एक साथ तो खड़े नजर आएंगे, लेकिन इनकी दुश्मनी हिस्टोरिकल टाइम से चलती आ रही है। और वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज में एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। इससे एडेड एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, आज जो आप अमेरिकन देखते हैं, व्हाइट अमेरिकन देखते हैं, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, वो एक्चुअली में अमेरिका नेवर बिलोंग टू व्हाइट अमेरिकन। अमेरिका के जो नेटिव्स थे वो ब्लैक अमेरिकन्स थे। ब्रिटिशर्स की फैमिली से जब ब्रिटेन में 17 सेंचुरी में बहुत पॉपुलेशन हाई हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स की फैमिली से हर एक फैमिली का एक एक लड़का एटलांटिक क्रॉस करके वो अमेरिका में आए। 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक्स में इसके बारे में चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसका रीजन बता रही हूँ। और वो जब अमेरिका आए, उन्होंने वहां के जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको धीरे धीरे करके साइड कर दिया और खुद सारा ऑक्यूपाई कर लिया लैंड वहां पे, और प्लांटेशन स्टार्ट कर दी थी वहां पे। और इस तरीके से अमेरिका वॉज अंडर ब्रिटिशर बिफोर 1773। तो उधर जो वॉर हो रहा था, फ्रांस उस वॉर में अमेरिका की हेल्प कर रहा था। और आपको सुन के हैरानी होगी, द रीजन इज कि क्यों हैरानी होगी आपको, ये वॉर फ्रांस लड़ रहा था कर्ज लेके। आई थिंक इतने समझदार हैं आप सब लोग, आई एज्यूम दिस कि आपको समझ में आएगा कि वॉर भी लोन लेके लड़ना, आप देखिए कर्ज लेके लड़ना कितनी ज्यादा बेवकूफी की बात है ये। तो वो वॉर को लोन लेके जो है वो लड़ रहे थे। वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिवर्स टू अ डेट जो ऑलरेडी 2 बिलियन लिवर्स हो गया था। एंड लीडर्स जिन्होंने हु गेव द स्टेट क्रेडिट एंड नाउ बिगेन टू चेंज चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। और उन्होंने 10% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये 10% इंटरेस्ट चार्ज करना, मतलब इतना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, और पैसा जिसका खत्म हो रहा था वो लोग थे, पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल। और ये देखिए आपको साइड में फिगर में फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट मतलब क्लर्जी एंड किंग, एंड सेकंड एस्टेट में नोबल्स। ये दोनों एस्टेट के लोग तो बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे थे, एट द एक्सपेंस ऑफ द थर्ड एस्टेट पीपल। रेगुलर एक्सपेंसेस को बीट करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज रन करने के लिए टैक्सेस और इंक्रीज कर दिए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस, मतलब ये भी काफी नहीं था उनके लिए। उसके अलावा फ्रेंच सोसाइटी 18 सेंचुरी में 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी, जैसा मैंने अभी आपको ये बताया है। थर्ड एस्टेट का सब डिविजन मैं आपको बता दूं, दैट थर्ड एस्टेट का सब डिविजन क्या था, बिग बिजनेसमैन मर्चेंट सबसे टॉप पे थे, पीजेंट्स एंड आर्टिजन सेकेंड रैंक आती थी, स्मॉल पीजेंट्स जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, जो गरीब थे, टेनेंट फार्मर्स की तरह काम करते थे, वो उनके पास कोई राइट भी नहीं था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस वो कैसे मीट करते थे, बाय द टैक्सेस गिवन बाय द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट। एंड येट इवन दिस मेजर वॉज नॉट सफिशिएंट, फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 एस्टेट में डिवाइड हुई, और द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम जो ओल्ड रिजाइम में बिफोर 1789 जो फ्यूडल सिस्टम था। फिगर 2 में आप ये देखिए, ये दिखाया हुआ है सिस्टम ऑफ एस्टेट, पीजेंट्स 90% पॉपुलेशन का हिस्सा थे, एंड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम दे हैव द लैंड, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वो नोबल्स के पास थी, जबकि पॉपुलेशन पीजेंट्स की ज्यादा थी पर लैंड नोबल्स के पास थी। मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज क्लर्जी एंड द नोबल, उनको कुछ प्रिविलेजेस इंजॉयड थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब वो टैक्सेस पे नहीं करने होते थे उनको। एंड द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, आराम से बैठे रहते थे, कोई उनको ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्हें कुछ भी इंजॉय कर, मतलब उनको कुछ काम करना है
दे वर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क. चर्च ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड टैक्स, मतलब सारी तरफ से बेचारे पीजेंस फंसे हुए थे. इधर से चर्च टैक्सेस ले रहा था जिनको टिथ कहते हैं, और फाइनली ऑल द मेंबर थर्ड एस्टेट के उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे. और डायरेक्ट टैक्सेस थे टेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 100% पेपर में आता है इसमें से कोई ना कोई. दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्सेस जिनको टेली कहा जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उनके ऊपर लगाए हुए थे जैसे सॉल्ट और टेबैको. द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस, वो थर्ड एस्टेट के लोग ही उसको बियर कर रहे थे. आप ये देखिए, ये पिक्चर मैं आपको बाद में लेसन कंप्लीट करूंगी तो आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं, वैसे इसमें है ये बट बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं. नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज हो गई 23 मिलियन से, और 1789 में 28 मिलियन. रैपिड इंक्रीज हुआ डिमांड में फूड ग्रेन्स की, बट वो जो रैपिड इंक्रीज हुआ वो प्राइस में, वो उससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई थी. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि लोगों की स्टेपल डाइट थी, मैंने अभी आपको बताया था, मेन जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वो ब्रेड खाते हैं, वो स्टेपल डाइट थी. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स. वेजेस, प्राइस राइज हो रही थी, वेजेस नहीं इंक्रीज हो रहे थे. अगर आपको पता हो सेंट्रल गवर्नमेंट डीए इंक्रीज करती है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. थिंग्स और खराब हो गई. वेन एवर ड्राफ्ट या हेल हुआ था, हार्वेस्ट रिड्यूस हुई. ये इसका क्या रिजल्ट हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस. इस ऐसी सिचुएशन जो आज दो कंट्रीज में है, वेनेजुएला में बहुत टाइम से चल रही है, पाकिस्तान में भी है इस समय, कि ब्रेड के प्राइसेस, मतलब आटे के प्राइसेस, वहां पे 10 किलो आटा 1500 में मिल रहा है, 150 रुपए किलो आटा है, जो हमारी कंट्री में 30 रुपए किलो है. दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस एंड द ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन. अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ था, ये आप देखिए कैसे हुआ था. बैड हार्वेस्ट हुई, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई. जो गरीब लोग थे वो ब्रेड खरीद नहीं सकते थे, एंड डिजीज एपिडेमिक, डिजीजेस स्प्रेड हो गए. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विसेजेस टू एंड प्रिविलेजेस. आप देखिए ग्रोइंग मिडिल क्लास, ये ग्रोइंग मिडिल क्लास का क्या इनका रोल है? इनका रोल है कि ये, आप देखिए हर एक कंट्री में, एक चीज मैं बता दूं, कोई भी रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में, आप कोई रेवोल्यूशन का नाम ले लीजिए, कोई रेवोल्यूशन विदाउट मिडिल क्लास सक्सेसफुल नहीं हुआ कभी भी. ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई रेवोल्यूशन विदाउट मिडिल क्लास कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो इसमें मिडिल क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया गया, और इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, मैं जो 90% चांसेस होते हैं उसके पेपर में आने के. अब पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस, बट उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई उनके पास मीन्स नहीं थे. एंड थर्ड एस्टेट, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट जो प्रॉस्परस थे, मतलब जो बिजनेसमैन पढ़े लिखे लोग थे, वो अपने एजुकेशन के थ्रू और न्यू आइडियाज के थ्रू उसको कर रहे थे. 18th सेंचुरी में सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए और उन्हें कहा गया मिडिल क्लासेस, जिन्होंने वेल्थ अर्न करी थी थ्रू एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड. मतलब वो ट्रेड करते थे, बिजनेसमैन थे, और उन्होंने अपनी वेल्थ जो है वो इंक्रीज करी थी उन्होंने, एंड गुड्स एक्सपैंड किया था उन्होंने, जैसे गुड्स वो किए थे वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल. एंड इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, थर्ड एस्टेट में प्रोफेशनल लॉयर्स भी थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑल ऑफ दीज दे वर एजुकेटेड. ये सब पढ़े लिखे थे और ये बिलीव करते थे कि प्रिविलेज बाय बर्थ गलत है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ? प्रिविलेज बाय बर्थ का मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि जैसे आपके पेरेंट्स अगर टीचर हैं तो आप भी टीचर बनेंगे, या आपके पेरेंट्स अगर सीए हैं तो वो आप भी सीए बनेंगे. दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज बाय बर्थ. और उस समय फ्रांस में ही नहीं, जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उधर किसी ना किसी रूप में ये प्रिविलेज प्रेजेंट था. रादर पर्सन की सोशल जो पोजीशन है वो उसके मेरिट पे होनी चाहिए.
जो जितना मेरिट में आए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। दीज आइडियाज दे एनविसेजिंग अ सोसाइटी जो बेस्ड थी किस पे, फ्रीडम पे, इक्वल लॉस पे। और ये जो मैं आप सबको बता रही थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 95% इसमें से जरूर आता है स्टूडेंट्स, और मैंने ये मार्क भी किया हुआ है। तीन फिलोसोफर्स, इनकी बुक्स और इन्होंने क्या कहा था, ये 95% आता है ये। अब फिलोसोफर जॉन लॉक ने एंड रूसो ने, इन हिज टू ट्रीटीज, लॉक ने क्या कहा था, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट की थ्योरी को बिल्कुल क्रॉस किया था, रिफ्यूट का मतलब है उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज कर दिया था। रूसो ने आइडिया और फॉरवर्ड किया, उन्होंने, रूसो ने कहा कि गवर्नमेंट जो है, इट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उनके अकॉर्डिंग है कि आपका आपस में एक एग्रीमेंट, गिव एंड टेक होता है ना, आप देखिए आपके फ्रेंड्स में भी गिव एंड टेक होता होगा, ऐसा नहीं है कि एक फ्रेंड तो ऐसे खर्च करता ही जाएगा, दूसरा खाता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रूसो ने भी यही कहा कि गिव एंड टेक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द, तो मतलब लोगों लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करें और गवर्नमेंट उनकी बात सुने। अब इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, थर्ड मॉन्टेस्क्यू ने क्या प्रपोज किया, डिवीजन ऑफ पावर। अमेरिका ने ये प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सारी पावर एक के हाथ में ना हो, लेजिस्लेचर के पास अलग पावर हो, एग्जीक्यूटिव अलग, और जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट हो। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन यूएस। 13 कॉलोनीज को जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटेन से, तब ये मूव फॉरवर्ड करा था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर्स का फ्रांस में। आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स ये सैलून्स में और कॉफी हाउसेस में बहुत डिस्कस हुए। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि ये सैलून्स में डिस्कस हुए, कॉफी हाउसेस में डिस्कस हुए। एक चीज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हो, जैसे कोई भी जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन चलती है, आपने देखा होगा आपके घर में गेस्ट आते हैं, या आपके मम्मी या पापा किसी से फोन पे बात करते हैं, तो वो दो तीन चीजें, एक तो मौसम, मेनली दिल्ली का मौसम, उसकी बात होती है, या फिर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये बात होती है, या आसपास की कंट्रीज में, जैसे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा था स्टार्टिंग में, एक साल से ज्यादा हो गया उसको, तो एक साल होने वाला है सॉरी, तो वो डिस्कस होता था, और अभी जो भी करंट सिचुएशन है उसके बारे में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिलोसोफर्स सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, वो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के बारे में डिस्कशन करते थे, एंड फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड द बेनिफिट, जो पढ़े लिखे थे वो इनको लाउड रीड करते थे उनके लिए जो पढ़े लिखे नहीं थे। न्यूज ऑफ लुई XVI इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स, कि लुई XVI जो नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसके बारे में जब लोगों को पता चला, जो अनपढ़ थे उन्हें भी, जो पढ़े लिखे थे उनको भी, लोगों ने एकदम से प्रोटेस्ट किया, एंड द अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, और लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये फर्स्ट टॉपिक, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब इसी के कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड टॉपिक भी मैं लूंगी, और इस तरीके से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आप भी अपने पास ये नोट करके रख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और गॉड ब्लेस यू।